हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि सर हमें जो सरकारी कॉलेज है ये स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा कि कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जो है आप लोगों को आज के इस वीडियो में बता देते हैं स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक में क्या फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में ये भी बताएंगे कि सरकारी कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना मार्क्स जाता है आज के इस वीडियो में, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों को अपने नंबर पर ध्यान नहीं देना है, यानी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इस पर जो है आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो सरकारी कॉलेज मिलता है ये आपके स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो है मिलता है। लेकिन स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट रैंक, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ये कुछ इसी तरह से आया होगा, और इसमें जो है दो रैंक शो करते होंगे, एक स्टेट रैंक और एक जो है कैटेगरी रैंक। अगर फ्रेंड्स आप लोग जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तब जो है आप लोगों का इसमें कैटेगरी रैंक शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोग ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब जो है इसमें आप लोगों का स्टेट रैंक के साथ में कैटेगरी रैंक भी शो करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी जो कैटेगरी है ये जनरल है, इसी वजह से जो है इनका केवल और केवल स्टेट रैंक शो कर रहा है और इनका जो है कैटेगरी रैंक शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है जनरल कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं तब जो है आप लोगों का स्टेट रैंक के साथ में कैटेगरी रैंक भी शो करेगा। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों का स्टेट रैंक या कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए तभी जो है आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ये बता दें कि जनरल कैटेगरी का जो स्टेट रैंक है ये कम से कम 12,000 से कम होना चाहिए तभी जो है इनको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस रह सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो कैटेगरी रैंक है ये कम से कम 5,000 से कम होना चाहिए तभी जो है इनको सरकारी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब जो है आप लोगों का स्टेट रैंक 15,000 से कम होना चाहिए और जो कैटेगरी रैंक है ये 7,000 से कम होना चाहिए तभी जो है आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब जो है आपका स्टेट रैंक 16,000 से कम होना चाहिए और जो कैटेगरी रैंक है ये आप लोगों का 9,000 से कम होना चाहिए तभी जो है आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब जो है आप लोगों का स्टेट रैंक 18,000 से कम होना चाहिए और जो कैटेगरी रैंक है ये कम से कम 10,000 से कम होना चाहिए तभी जो है आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बन सकती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक में जो है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट रैंक, लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ में जो है आप लोगों का कैटेगरी रैंक भी देखा जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका स्टेट रैंक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब जो है आपका स्टेट रैंक कम से कम 12,000 से कम होगा तभी जो है आप लोग इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को जो है सरकारी कॉलेज मिल जाए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है स्टेट रैंक 15,000 से कम होना चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए स्टेट रैंक 16,000 से कम और एसटी कैटेगरी के लिए जो स्टेट रैंक है ये कम से कम 18,000 से कम होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि सरकारी कॉलेज के लिए जो है लगभग 10,000 सीटें हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि सर जब 10,000 सीटें हैं तब जो है जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट रैंक कैसे 12,000 से कम होना चाहिए, इनके लिए जो है स्टेट रैंक 10,000 से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब पीरियड में होते हैं तो इन्हें जो है रेगुलर क्लास करना पसंद नहीं होता है या अपने जॉब के साथ में जो है ये रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से जो है बहुत से स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बावजूद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये संभावना बनती है कि 2,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज पाकर भी जो है इसे छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अगर आप लोगों का स्टेट रैंक 12,000 से कम होता है तब जो है आप लोग इसकी उम्मीद मान के चलिए कि आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया गया है ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक एनालिसिस करके बताया गया है। अगर आप लोगों का स्टेट रैंक जो है इस अकॉर्डिंग होता है तो आप लोगों को 100% ये श्योर मान के चलिए कि आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का काउंसलिंग कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना फीस लगता है, इस पर जो है हमारे चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इस पर जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके भी जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।